देखो तुमको ये वाली रिएक्शन चाहिए जो तुम्हें ऊपर दिया है, उसी का मैकेनिज्म चाहिए ना आपको। यस सर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये जो हमारा पर्टिकुलर रिएक्शन ऊपर की ओर दिया है, हमें ये चाहिए। यस सर। ठीक है। अच्छा, राइट सर। स्लोवेस्ट स्टेप के रिस्पेक्ट में हम लोग रेट लिख सकते हैं। राइट सर। तो स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है? सर वो N2O2 + O2 गिव्स टू देखो, NO2। आर तुमने क्या लिख लिया? आर तुम कुछ ऐसा लिखोगे, आर इक्वल टू के एन टू ओ टू ओ टू, ऐसा लिख दिया। सही है ना? यस सर। स्लोवेस्ट स्टेप है तो जो कोफिशियंट होगा वही ऑर्डर होगा। राइट सर। अब देखो, लेकिन हमें जो रिएक्शन चाहिए, हमें उसमें एनओ चाहिए। यस सर। एनओ कैसे लाना? हमेशा जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है फिर वो उठाना। देखो, ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है तो देखो हम ये लिख सकते हैं क्या, K1 अपॉन K-1 N2O2 डिवाइडेड बाई एनओ का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। यस सर। देखो, केसी होता है क्या? केसी यही होता है ना, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। समझा? राइट सर। यस सर। के समझा। फॉरवर्ड क्या है? K1, और के राइट बैकवर्ड सर। क्या है? के माइनस टू। वन। समझा ना? यस सर। माइनस वन। सही है। यस सर। याद है? क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, अब देखो N2O2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ। NO लेके आना है ना, तो हम N2O2 की जगह क्या लिख सकते हैं? K1 अपॉन K-1 ऐसा लिख सकते हैं। राइट सर। अब N2O2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं यस सर। तो रेट क्या आ जाएगा? देखो, आर इक्वल टू K1 अपॉन K-1 NO का स्क्वायर O2। राइट सर। तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया बताओ? ये पूरा रेट कांस्टेंट हो गया ना। राइट सर। यस सर। तो सर देन फिर ऑप्शन डी। यहाँ पे के टू लिखना चाहिए, है ना? सही है। यस तो सर। यस सर। कौन सा हो गया? डी वाला है सर ना। ऑप्शन डी। यस सर। तो क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ तो अभी काम करो, ऐसे ही क्या कर लो तुम, 2 3 ऐसे सेम लॉजिक से 2 3 एंड 4 अटेम्प्ट कर लो। ठीक राइट है? सर। ठीक यस सर। है।